Hey friends, welcome to the channel. आज बात करेंगे हम लोग PoAC method जो मैंने पढ़ा था, इससे पहले mole method पढ़ा था, इसलिए पहले के सारे videos आप देख लो, ज़्यादा better रहेगा आपके लिए. तो पिछले video में हम लोगों ने PoAC method की theory देख ली थी, वो theory जरूर एक बार फिर से आप revise कर लो. अब हम लोग देखेंगे PoAC method से related numericals. It means numerical analysis on PoAC method. अब अलग अलग हम लोग topic by topic numerical analysis कर रहे हैं. Then let's start. The PoAC method से numericals बनाते हैं हम लोग, ठीक है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि एक बार हमारे पास KClO3 के इतने अमाउंट है. बोल रहा है कि अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो इतना का वेट लॉस हो रहा है. इतना का वेट लॉस हो रहा है, इट मीन्स दिस इज गैस. और कौन सी गैस है, प्रीटी मच कॉन्फिडेंट वी कैन से दैट दिस इज ऑक्सीजन गैस. उस व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल KClO3 हैज़ बिन डिकम्पोज. इसका मतलब कि इतना अगर लॉस हो रहा है तो मतलब ये पूरा का पूरा KClO3 इज़ नॉट गोइंग टू डिकम्पोज, नॉट फुल ऑफ डैट. कुछ अमाउंट डिकम्पोज हो रहा था. ये पूछ रहा है कितना परसेंटेज वो KClO3 का डिकम्पोज हो रहा है. फिर पूछ रहा है यहाँ पे कि अब KClO3 का अमाउंट आपसे पूछ रहा है जब 0.96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा. तब यहाँ पे 0.384 से कितना KClO3 यूज़ होकर इतना ग्राम ऑक्सीजन मिला, उसका परसेंटेज निकालना है. और यहाँ पे सिर्फ सिंपली दिया हुआ इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोला, पे डायरेक्टली बोल दिया आपको ऑक्सीजन के इतनी ग्राम्स है. और कितना KClO3 डिकम्पोज करेंगे कि 0.96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिले, ठीक है. सबसे पहले इसके लिए हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा. तो हम लोग लिख दिए KClO3, इसको हीट करेंगे KCl प्लस O2, नो नीड टू बैलेंस बिकॉज वी आर यूजिंग PoAC, ठीक है. तो अब क्या करेंगे हम लोग, किसके लिए लगाएंगे. तो हम लोगों को चाहिए ऑक्सीजन. ये जो वेट लॉस है, ये है 0.384 ग्राम्स. ये एब्सोल्युटली इक्वल होगा वेट ऑफ ऑक्सीजन का. तो देयरफॉर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.384 गिवन मास बाय मोलर मास. इसकी मोलर मास हो जाएगी 32. और अप्लाइंग PoAC for oxygen atoms, what we will have, 3 into moles of KClO3, क्योंकि यहाँ पे 3 into इसका moles, is equal to 2 into moles of O2. यहाँ पे आपको moles of KClO3, या फिर इसको एक और लिख दीजिए ऐसे, मास ऑफ KClO3 बाई मोलर मास ऑफ KClO3, बट विल बी इट्स मोलर मास. इसके मोलर मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल हैव 122.5 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये 3 भी उधर भेज दीजिए, देन इट विल बी 2/3 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वी हैव 0.384/32. और ये कितना हो जाएगा, इसको मान लिए हम लोग एक्स से, ठीक है. तो आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल, परसेंटेज ऑफ KClO3 यूज्ड इज इक्वल टू यूज्ड KClO3 बाय टोटल वेट इंटू 100. तो यूज KClO3 कितना हुआ, x बाई कितना था आपके पास, 4.9 इंटू 100, ये समथिंग y आएगा, y परसेंटेज और आंसर, ठीक है. ये हो गया आपका एक क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. पिछले वाले क्वेश्चन में एक सेकेंड पार्ट भी था कि 0.96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कितना, उसके लिए कितना पोटेशियम क्लोराइड चाहिए, डेट यू हैव टू सॉल्व एज एन एक्सरसाइज. वो नहीं सॉल्व कर रहा मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें बोल रहा है कि आपके पास एक हाइड्रेटेड BaCl2 है. हाइड्रेटेड BaCl2 मतलब कि BaCl2.xH2O. इसको हम लोगों ने पूरा हीट कर दिया है. ड्राइनेस मतलब इसके अंदर का जितना पानी था, आपने इसको हीट करके आपने क्या कर दिया, आपने बनाया BaCl2. ये डॉट की जगह प्लस हो गया, क्योंकि पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, आपने पूरा उसको ड्राई कर दिया, इट बिकम्स XH2O. तो हमारे पास इसका 1.763 ग्राम है हाइड्रेटेड
आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट, इट मींस इनडायरेक्टली इट इज आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है किसके लगाएंगे, पी ओ सी लगाने के लिए हम लोग इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं. ठीक है, देन व्हाट शुड वी यूज, तो आपके ऊपर है, आप कोई भी इस्तेमाल कर लो. मैं जो इस्तेमाल करूँगा वो मैं लगाऊँगा इसको और इसको. ठीक है, बैलेंस करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो अप्लाइंग कारण यहाँ पे फिर दोबारा एक्स आ जाएगी, मुझे दोबारा एक्स चाहिए नहीं, इसलिए मैं बी ए के लिए लगा रहा हूँ. अप्लाइंग पी ओ ए सी फॉर बैरियम एटम्स, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कितने मोल्स ऑफ बी ए सी एल टू डॉट एक्स एच टू, एक से मल्टीप्लाई करो, ये बराबर है मोल्स, यहाँ भी एक से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट बराबर हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको. ये कितना आपके पास मोल्स ऑफ बी ए सी एल टू, तो इट इज़ हैविंग 1.763 बाई, बाई कितना जाएगा आपको, 2.08 + 18x, बी एस एल टू 2.08 है, दिस इज 18 × x 18x इज इक्वल टू, बी एस एल टू यूज़ करने का एक तो मेटर था कि वी हैव बेरियम, सेकेंड मोटिव ये है कि इसका वजन आपके पास मालूम है, एनहाइड्रस साल्ट का इसका वजन आपको मालूम है, इसलिए आप इसी से इक्वेट कर सकते हैं, इसे इक्वेट नहीं कर सकते, इसका आप वाटर का मास मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने किया 1.505 और बाई ऑफ कोर्स 2.08. यहाँ से यू कैन सॉल्व फॉर x एंड यू विल गेट x का वैल्यू 3. ठीक है, ओ सॉरी 2, इसलिए यहाँ पे देयरफॉर फार्मूला ऑफ हाइड्रेट ये क्या हो जाएगा आपका, बी ए सी एल टू डॉट 2H2O. ठीक है, कोई डाउट होता है देन प्लीज़ गिव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. हम लोग बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सैंपल आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब पूरा का पूरा सैंपल इज़ नॉट अंडरगोइंग फॉर द रिएक्शन, जो बोल भी रहा है डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, तो इम्प्योरिटीज़ रिएक्ट नहीं करेंगे, जब 10 ग्राम जो सैंपल का आएगा उसको रिएक्ट किए एसिड के साथ, देन वी हैव 2400 मिलीलीटर ऑफ CO2. एक्चुअली मैं अगर 10 ग्राम अगर प्योर MgCO3 लेंगे देन CO2 का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन कम आ रहा है, यही साफ बता रहा है कि दिस इज इम्प्योर. वी ऑब्टेन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 180 टेम्परेचर, दिस इज 27 डिग्री सेल्सियस, दिस इज नॉट NTP. यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आया, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल. तो सबसे पहले आपको परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो परसेंटेज प्योरिटी इज कैलकुलेटेड एज weight of pure substance by total weight into 100. It means you require the weight of pure substance. Weight of pure substance आपको कैसे मिलेगा, वो आपको मिलेगा from the reaction itself. तो reaction क्या होगा, MgCO3, मान लेते हैं there is some acid which is HA and it is giving product as Mg A2 + H2O + CO2. We are not concerned of this Mg A2 or H2O, we are only concerned with the carbon here, क्योंकि यही carbon dioxide हम लोग को carbon dioxide से concerned. आप carbon dioxide से आप oxygen के लिए POAC लगाओ या carbon के लिए POAC लगाओ, उससे कोई कहीं से फर्क पड़ने वाला नहीं है. ठीक है, चलो तो अब देखते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा अगर मैं पूछूँ तो, फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अगर आप बोलोगे यहाँ जितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के उतने ही मोल्स यहाँ हैं, ये गलत हो जाएंगे क्योंकि कुछ मोल्स यहाँ पे भी हैं. ठीक है, इसलिए यू हैव टू चूज विच इज़ नॉट रिपीटिंग, तो डेट इज़ कार्बन. यहाँ पर अकेला कार्बन, यहाँ पर अकेला कार्बन है, और कहीं प्रोडक्ट साइड में कार्बन नहीं है, रिएक्टेंट साइड में और कहीं कार्बन नहीं है, इसलिए बेटर चॉइस विल बी, इट मे हैपन डेट दिस ए वुड ऑल्सो कंटेंस ऑफ ऑक्सीजन. फॉस्फोरिक एसिड हुआ तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा, सल्फोरिक एसिड यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा. हाँ, हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोजन वाले रहे तब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन इसलिए ऑक्सीजन को यूज़ करना इस समय रिस्की, सो वी विल टेक कार्बन. अब कार्बन के मोल्स चाहिए आपको सबसे पहले,
मोल्स कैसे निकलेंगे? यहाँ पे तो हाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें? नो, इफ़ यू विल डिवाइड इट विथ मोलर वॉल्यूम, सपोज हियर इट इज गिवन फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ CO2 एट 1 atm प्रेशर एंड एट 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन, हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, मैंने बता रखा है आपको। तो वॉल्यूमेट्रिक मोल का रिलेशन वॉल्यूम के साथ, वो वाली वीडियो देखिए आप मोल कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में जाके। इट इज़ गिवन एज 2400 मिलीलीटर। ऑफकोर्स ये NTP नहीं है, इसे आप 22.4 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको लीटर में चेंज कर दीजिए सबसे पहले, देन इफ यू विल चेंज इट इन लीटर देन इसको हम लोग हज़ार से डिवाइड करेंगे, इट विल गिव द वैल्यू 2.4 लीटर। अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि NTP नहीं है, देन वी नो डैट मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है एट PV इज इक्वल टू NRT, तो यहाँ से N इज इक्वल टू PV बाई RT, देन प्रेशर इज हेयर 1, वॉल्यूम इज 2.4, आर ये बोल रहा है यूज़ करने का अभी लीटर ही है, इसलिए लीटर ही में बदलना ही था हम लोगों को 0.08, एंड टेम्परेचर इज 300। और यहाँ से अगर आप मोल्स निकालते हो ये भी 2.4 ही होगा, जो भी हो ये 0.1 आने वाला है, ठीक है। ये 2.4 आर थे 24, और यहाँ पे 1, 2, 5 0.01 इज द आंसर हियर, ठीक है। चलो ये 2 से ये 2 गया, 0.3 × 8 2.4 1 होना चाहिए। ओके दिस इज 2.4 एंड दिस इज 8 × 3 इट इज 24, दिस इज 24, इट इज 2.4 × 24 एंड इट इज 0.1, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको मोल्स मिल गए, एन इज इक्वल टू PV/RT, से आपको मोल्स मिल गए, देन ऑफकोर्स यू विल अप्लाई POAC फॉर कार्बन एटम्स, देन यू विल अप्लाइंग POAC फॉर कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो मोल्स ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2, तो आपको मोल्स ऑफ MgCO3 ही चाहिए, ठीक है। तो मोल्स ऑफ MgCO3 यहाँ से कितने मिल जाएंगे, मोल्स ऑफ CO2 0.1। अब आपको चाहिए यहाँ से मास, तो देयरफॉर मास ऑफ MgCO3 ये हो जाएगा उसका मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 24 प्लस 60 इट इज 84, then 84 into 0.1 it is 8.4, ठीक है। अब ना यहाँ पे दिख गया आपको 10 ग्राम में 8.4 मतलब 84% आने वाला है, लेकिन तभी हम लोग निकालेंगे परसेंटेज प्योरिटी, वेट ऑफ प्योर 8.4, टोटल वेट 10 × 100, एक से कैंसिल 84%, इट मीन्स you have 84% of pure magnesium carbonate that is we are using for the reaction with acid. However, this since it is not 100% pure, that's why it is giving 2400 milliliter of carbon dioxide. Tractor pe aaya hai, tractor se bahut awaaz kar raha hai. So this is the next question. यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि MgCO3 और CaCO3 इन दोनों का मिक्सचर है जिसको आपने काफ़ी देर तक लॉन्ग टाइम हीट किया, इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा MgO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हीट करेंगे देन वी विल हैव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोनों से उसका ऑक्साइड मिल गया और वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज सॉलिड, सॉलिड दिस इज गैस, ओके। द वेट डिक्रीज बाई 50%, सिंस दिस इज सॉलिड, दिस इज ऑल्सो सॉलिड एंड दिस इज गैस, इफ वेट इज बीइंग डिक्रीज देन एब्सोल्युटली द वेट decreasement or weight decrement is done by carbon dioxide. This is by 50%. This is we are not provided with the mass of the mixture. So let the mass of mixture is equal to 100 gram. कुछ नहीं तो ये मानना चाहिए percentage वाले question में. Then इसे मान लेंगे mass of MgCO3 is equal to x gram,
then mass of CaCO3 is equal to 100 minus x gram. यहाँ से इसका मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू मास हो गया x, एंड Mg इज 24, दिस इज 60, दिस इज 84, एंड दिस इज मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 100 माइनस x बाई 100. वी हैव वेट लॉस. वेट लॉस इज इक्वल टू व्हाट? 50%. इसका 50% मतलब 50 ग्राम इज इक्वल टू वेट ऑफ या मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देयरफॉर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास बाय इट्स मोलर मास. लेट्स कंसीडर दिस इक्वेशन एंड अप्लाई. सिंस वी आर प्रोवाइडेड विद द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हम लोग सिर्फ इसी के लिए PoAC लगाएंगे. Mg और CA में हम Mg का इसका मास मालूम नहीं है, ऑक्सीजन के तो भूल के लगाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन चार चार जगह है. ठीक है, चार जगह लगाना है तो फिर सबको जोड़ना पड़ेगा. सबका मास अगर नहीं दिया होता तो फिर इतना आसान क्वेश्चन तो बनेगा नहीं. सो वी विल अप्लाई, विल अप्लाइंग PoAC फॉर कार्बन एटम्स. ठीक है, कार्बन एटम्स के जब PoAC लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों का मोल्स सेम है क्योंकि कार्बन यहाँ भी एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है. तो मोल्स ऑफ MgCO3 बराबर मोल्स ऑफ CO2. तो यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 कितना आपने निकाल रखा है? 50 by 44. तो therefore ये भी इसी के बराबर हो जाएगा. कितना? 50 by 44. देन यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ MgCO3 इज इक्वल टू 50 by 44 इंटू इसका मोलर मास, एंड दैट इज 84. दिस वैल्यू इज गोइंग टू कम एज ओके. आई हैव डन सम मिस्टेक हियर. आपने ध्यान नहीं दिया लेकिन आंसर आ ही नहीं रहा है. आंसर नहीं आने का मतलब है कुछ मिस्टेक हुआ है. लेट्स एग्जामिन हमने मिस्टेक कहाँ किया. यहाँ तक हमने सब काम सही किया है, वेट लॉस सही निकाला, PoAC कार्बन एटम्स, यहाँ पे कार्बन एटम्स ओके, यहाँ पे भी आपके पास कार्बन एटम्स है. जैसे ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे चार चार जगह ऑक्सीजन एटम्स है, यहाँ पे पास वजन नहीं मालूम है. देन यहाँ पे दो जगह इधर, वहाँ पे एक. तो क्या हम इन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इन दोनों का वजन हम लोग को मालूम है? MgCO3 वी हैव इट एज एक्स, एंड CO3 एज 100 माइनस एक्स. ऑफ कोर्स वी कैन यूज इट. देन इसके लिए PoAC लगाएंगे, देन क्या हो जाएगा? इन दोनों के मोल्स को ऐड करना पड़ेगा. मोल्स ऑफ MgCO3 प्लस, सब में एक ही एक एटम है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग. मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2. ठीक है, देन अब आ जाना चाहिए आंसर. तो दिस इज MgCO3 इज व्हाट? x बाई 84 प्लस 100 माइनस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 50 by 44. यहाँ से आप x निकाल लोगे, x यहाँ से आएगा आपका 28.41. इसलिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, देयरफॉर फॉर मिक्सचर x इज व्हाट? MgCO3. सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ MgCO3 is 28.41%, and percentage of CoCO3 100 minus 28.41, that is 71.59%. This is your answer. ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपके एक्सरसाइज के लिए. डू इट एट योर होम. कोई दिक्कत होती है देन प्लीज कमेंट इट ऑन द कमेंट सेक्शन. सो दीज थ्री आर योर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर एक्सरसाइज. डू सॉल्व इट एट योर होम. And if I have, say, facing any type of problem regarding these questions, then please let me know it. In the next section, we will read about the percentage labeling of oleum. Oleum is a mixture of SO3 and H2SO4. So we will read about it in the next section, the theory part. And in the next video, we will deal with the numericals related with the percentage labeling of oleum. Or however, I am thinking that in the next video, I will combine two topics, and that is the percentage labeling of oleum with this one new topic that is called as successive reactions. तो उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें उन दोनों ओलियम से भी और सक्सेसिव रिएक्शन से भी.
ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. डू सब्सक्राइब इट बिकॉज यू हैव टू रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ द अपकमिंग वीडियोस. सो आज के लिए इतना ही, हम लोग देखेंगे. इफ एनी हैविंग एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो. ओके, थैंक यू.